Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome back to my IELTS speaking test series, IELTS Talks with Karishma. Hi, I am Karishma Joshi, the founder of Navigators Education and a certified IELTS and PTE trainer by IDP, British Council, Cambridge University, PTE and TOEFL too, and taught more than 10 to 15,000 students till date by both offline and online modes. So guys, देखते हैं चलिए आज का क्यू का टॉपिक कौन सा है. सो टुडे वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग क्यू का टॉपिक एंड अवर टॉपिक इज डिस्क्राइब अ लॉन्ग टर्म गोल यू वुड लाइक टू अचीव. मतलब आपको यहाँ पे कोई एक लॉन्ग टर्म गोल के बारे में बताना है जो आप अचीव करना चाहते हो. तो व्हाट द गोल इज, सबसे पहले आपको बताना है कि वो गोल क्या है. व्हाट यू वुड लाइक टू अचीव, आप क्या अचीव करना चाहोगे. व्हेन विल यू अचीव, आप कब अचीव कर पाओगे. And explain why you would want to achieve it. आपको क्यों अचीव करना है वो आप explain करो. तो यहाँ पे depend on लेकिन you ये answer बन सकता है. अगर मान लीजिए आप student है तो आपका answer अलग होगा. आप मान लीजिए working woman है तो आपका answer अलग हो सकता है, या तो working man and woman के लिए एक भी answer हो सकता है साथ में. So depending on your profession and depending on your एकेडमिक लाइफ आप अपना आंसर डिसाइड कर सकते हो. मान लीजिए अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका गोल अल्टीमेटली नहीं होगा कि मुझे मेरा घर बनाना है. तो दैट इज़ दैट कैन नॉट बी योर लॉन्ग टर्म गोल. तो आप एक थोड़ा प्रैक्टिकल लॉन्ग टर्म गोल बना सकते हो. तो जैसे कि आप आईएलटीएस का टेस्ट ही दे रहे हो तो आपका एक गोल होगा कि आपको एक इंटरनेशनल डिग्री लेना है. तो वो डिग्री क्यों लेना होता है, बिकॉज यू आपका जो पर्टिकुलर फील्ड है, मान लो आप आईटी से हो या तो आप फिर से बायोटेक से हो या तो आप कॉमर्स से हो, तो आपका एक अल्टीमेट गोल होता है कि मुझे कोई एमएनसी में अच्छी पोजीशन में, आपकी जो भी पोजीशन हो उसमें आपको वहाँ पे बैठना है, आपको काम करना है. तो सबसे पहला वो जो डेजिग्नेशन है वो आपका गोल हो सकता है लॉन्ग टर्म. तो उसके लिए आप अभी से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप उसके लिए अब्रॉड जाने की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे अब्रॉड इंटरनेशनल डिग्री लेना चाहते हो. और वो डिग्री लेकर जो है आप अपने कंट्री में आके या तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे ही आप एक पोजीशन पे एक ऐसी कंपनी में काम करना चाहते हो जहाँ पे आपका डेजिग्नेशन एक बहुत ही हायर लेवल का हो, और उसी के साथ आपकी नो डाउट हैंडसम सैलरी भी हो. मतलब आपको इंटरनेशनल लेवल पे नेम एंड फेम दोनों कमाना है. तो वो एक अल्टीमेट आपका गोल हो सकता है बीइंग अ स्टूडेंट. अगर आप मान लीजिए वर्किंग पर्सन है, आप पीआर के लिए प्लान कर रहे हो, तो आपका अल्टीमेट गोल ये हो सकता है कि आप अपने फैमिली को सेटल डाउन करना चाहते हो, आप कोई लेकिन अच्छा सा घर बनाना चाहते हो फैमिली के लिए, तो फिर फैमिली को आप लाइक और कंट्री में वहाँ पे जाके उनको सेटल करना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि वहाँ पे एक लाइफस्टाइल अच्छी मिल पाएगी उनको. वो एक डेवलप्ड नेशन में आप जाना चाहते हो, वहाँ पे आपका खुद का भी करियर अच्छा होगा. तो एक अलग लाइफस्टाइल आप अपनी फैमिली को देना चाहते हो, वो आपका एक अल्टीमेट गोल है, क्योंकि आपने अपना करियर बना लिया है. नाउ फॉर योर किड्स यू वॉन्ट टू गो देयर सेटल देयर एंड यू वॉन्ट टू सी योर किड्स sitting at a good position and doing good work and earning good. तो उसके लिए आपका जो है वो लॉन्ग टर्म गोल है, तो वो उसके बारे में आप बता सकते हो. सो आई विल डिस्कस बोथ द आंसर. सो नंबर वन फॉर स्टूडेंट्स, वेल अचीविंग गोल इज और हैविंग गोल इन अवर लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टू अचीव अवर गोल्स वी नीड टू स्ट्रगल अ लॉट. एंड आई टू हैव माई ओन गोल इन माई लाइफ एंड दैट इज वन लॉन्ग टर्म गोल. शॉर्ट टर्म तो बहुत सारे गोल्स हैं. I have many of the short-term goals, but here I'm going to talk about one my long-term goal, and my that goal is to sit as the position of, आप जो भी position बोल सकते हो, as an HR in a very well-known या तो renowned, आप जो भी बोल सकते हो, vocabulary wise आप set कर सकते हो, renowned MNC in Canada और in Australia और in USA UK. यहाँ पे आप आंसर में कुछ भी बोलो कि याद रखिए इट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट योर वीज़ा. मानो आप कनाडा नहीं जाना चाहते हो, ऑस्ट्रेलिया, या तो फाइल अभी कनाडा ले के लिए कर रहे हो, बाद में ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो आंसर इसमें ये बोला. तो अंडरस्टैंड आईएलटीएस टेस्ट इज़ योर लैंग्वेज टेस्टिंग एग्जाम, तो उससे इफेक्ट नहीं होने वाला है. तो आई वॉन्ट टू वर्क इन एन MNC नेम दिस एज अ पोजिशन ऑफ HR और एज अ पोजिशन ऑफ से कोऑर्डिनेटर, या तो जो भी आप अपनी कंपनी में हो, आप जो भी आपका अकेडमिक हो उसे आप बता सकते हो. आई थिंक दैट आई वुड लाइक टू टेक अ मास्टर्स डिग्री फॉर द सेम एंड दैट टू इंटरनेशनल डिग्री, एंड दैट इज़ द रीज़न करंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई IELTS एग्जामिनेशन, सो दैट एज सून एज आई एम क्लियरिंग माई IELTS एग्जामिनेशन आई कैन अप्लाई फॉर माई एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी इन कैनेडा और ऑस्ट्रेलिया, वेरी वेल नोन यूनिवर्सिटी. एंड आई थिंक दैट इट विल टेक मी ऑलमोस्ट से 2 to 2.5 years of time
first of all to achieve my degree, and then after I will also need to have some experience at an international level. So that I will take one more year. So in total I'm going to take almost 3 to 4 years to achieve my goal. And I want to achieve my this goal. Abhi explain karna hai ki why I want to achieve this goal. I want to achieve this my goal because I think that this will help me to settle down my life in a proper way. If I am sitting at this position and I am earning this good amount, so that will also help me to fulfill all my small goals and my dreams that I want to have. So for that I definitely need a good designation, because I always want to be first of all respected person, and I want to have a respected position in the society. And secondly, I will also need good amount of money to spend on my dreams that I want to achieve. तो जैसे कि मुझे अच्छी और लग्जूरियस गाड़ी लेना है, एक अच्छा सा बंगलो करना है बड़ा सा. सो दिस आर माई स्मॉल गोल्स विच आई वुड लाइक टू हैव. एंड फॉर दैट डेफिनेटली आई विल नीड टू टेक माई इंटरनेशनल डिग्री. एंड आई वॉन्ट टू अचीव दिस गोल टू हैव अ वेरी ब्यूटिफुल एंड गुड लाइफ स्टाइल. तो एक ही आंसर बता सकते हो. जैसे मैंने दूसरा ऑप्शन आप दिया कि अगर आप प्रोफेशनल होता बता सकते हो कि वेल माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू सेटल डाउन माई फैमिली इन अनदर कंट्री. I want to give them a good lifestyle. And specifically, I would like to settle down them in the developed country so that they can also get their own development. And I think that to achieve this, I'm currently preparing myself with the IELTS test, and I'm also applying for my PR. So I think it is going to take almost 2 years for me to get my PR visa. And then as soon as I'm getting my PR, I will go and settle down over there. So I think that once I'm going and settling there, it will take almost 5 more years to help my family also settle down over there. And once my family settling down there, so I think that for my kids, it would be much more better. Even we can get a good lifestyle, and my kids will be able to study at an international level. They will be able to make their own good profession and career. And I think that I want to do this thing to give my children what I could not get in my life. I want them to achieve good in their life, to get good admission in good university and colleges, and also they can get an international exposure so that they can bring out their skills and ability, and they can also earn a good name and fame at an international level. So I think that my ultimate goal and long term goal is this, so that my family and my kids can have a good life in the future. So guys, आपको जो भी आंसर सूट करता है वो आप बना सकते हो. पॉइंट्स बनाओ. And yes, as I keep on telling, keep recording your answers to be very, very fluent in your IELTS cue card. So guys, keep preparing yourself. Take care. Bye-bye. And see you tomorrow with one more cue card. Till then, bye-bye and take care, everyone.